सो गबरू सब्सक्राइब करो अर्बन गबरू मेंस लाइफस्टाइल को रेड बटन दबा के एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप अपडेटेड रहे हमारी वीडियो से ऑन मेंस स्टाइल फैशन एंड ग्रूमिंग। हेयर स्प्रे कि क्या बकवास चीज है। आज से 3 साल पहले मुझको भी कोई ये चीज बोलता तो शायद मैं उसकी बात पर बिलीव कर लेता। अब मुझसे कोई ये सेम चीज बोले तो या तो उसको हेयर स्प्रे की नॉलेज नहीं है या फिर हेयर स्प्रे उसके लिए बनी ही नहीं है। सो गबरूज आज की इस वीडियो में आपको मैं डीपली समझाऊंगा कि हेयर स्प्रे क्या है, उसको यूज कैसे करते हैं, क्या वो आपके हेयर टाइप के लिए है एंड जितने भी क्वेश्चंस आपने इंस्टाग्राम पे पूछे थे सारे आज इस वीडियो पे बताऊंगा हेयर स्प्रे से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गबरू, दिस इज मी लक्ष्य वंस अगेन एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पोस्ट स्टाइलिंग प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपको होल्ड से थोड़ा सा भी प्यार है तो वो आपके लिए है एंड दैट इज हेयर स्प्रे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चेकआउट मेरी पहले वाली वीडियो जहाँ पर मैंने बताया था हेयर वैक्स के बारे में, पूरा प्री स्टाइलिंग, पूरी पोस्ट स्टाइलिंग और बताया था कि वैक्स क्या होती है, जेल क्या होते हैं। सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। हेयर स्प्रे जितना सिंपल इसका नाम है उतना ही सिंपल है इसको यूज करना एंड आई एम श्योर कि आपने बॉलीवुड मूवीज में हजारों लोगों को देखा होगा जिनके बिल्कुल क्रिस्प हेयर स्टाइल रहता है, जिनके बिल्कुल बाल ऐसे रहते हैं कि वो टस से मस नहीं होते, तो वो किस चीज से होता है? हेयर स्प्रे से। Say it with me, हेयर स्प्रे। तो अब हेयर स्प्रे यूज किस लिए होती है? हेयर स्प्रे सबसे एंड में आपके हेयर स्टाइल को लॉक करने के लिए यूज की जाती है। जब आपने ब्लो ड्राई कर लिया, जब आपने वॉल्यूम सेट कर ली, जब आपने हेयर प्रोडक्ट लगा लिया, उसके बाद आपको ऑल डे लॉन्ग अगर चाहिए होल्ड तो आपको हेयर स्प्रे यूज करने की जरूरत। नॉर्मली आपने हेयर स्प्रे देखी होंगी जो थोड़ी इस टाइप की होती है, बिकॉज इंडिया में ऐसी हेयर स्प्रे ही अवेलेबल है, बट हमने आपके लिए एक नई टाइप की हेयर स्प्रे बनाई है विद नो गैस टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉस्ट को एक हेयर स्प्रे कहना बहुत कम होगा क्योंकि एक हेयर स्प्रे होने के साथ साथ ही आपके बालों का ख्याल भी रखती है। फ्रॉस्ट में एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स के साथ केराटिन भी यूज किया गया है जो आपके बालों को स्टाइल तो ऑब्वियसली करेगा ही, सुपर हार्ड होल्ड देगा ही देगा एंड उसके साथ साथ आपके बालों को नरिशमेंट भी मिलेगी। एंड नो गैस टेक्नोलॉजी होने का सिर्फ एक ही फायदा है कि आपकी हेयर स्प्रे बहुत कम यूज होगी एंड उसी एरियाज में लगेगी जहां पर आपको जरूरत है, इसलिए हमने नो गैस टेक्नोलॉजी अपनाई थी एंड हम नॉर्मल टेक्नोलॉजी भी अपना सकते थे बट इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। सो बेसिकली हेयर स्प्रे यूज होती हैं आपके जो स्ट्रैंड्स आते हैं बालों के इधर उधर जो हो जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जिनको काउलिक्स बोला जाता है। काउलिक्स मतलब कि एक दो बाल जो आपके बाहर आ रहे हैं एंड जो बिल्कुल शैबी और बिल्कुल गंदे लगते हैं, सो एक नीट लुक देने के लिए, एक फिनिशिंग लुक देने के लिए हेयर स्प्रेस काम आती हैं एंड आपको ये ज़रूर यूज़ करनी चाहिए अगर आपको नीट दिखना पसंद है, अगर आपको स्लिक बैक हेयर स्टाइल पसंद है या फिर एक ऐसा हेयर स्टाइल पसंद है जिसमें बाल इधर उधर ना हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको कौन से हेयर टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका हेयर टाइप थिन से नॉर्मल के बीच में है एंड आपको होल्ड कोई भी प्रोडक्ट देने में बहुत दिक्कत करता है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है। एंड थिक हेयर वालों आप भी इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लंबे टाइम की होल्ड चाहिए तो। बस मेक श्योर कि आप एक प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट और पोस्ट स्टाइलिंग प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप हेयर स्प्रे बिना किसी प्रोडक्ट के यूज़ कर सकते हैं, सीधा अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके थिन हेयर हैं तो आपको प्री स्टाइलर, हेयर प्रोडक्ट और पोस्ट स्टाइलर की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि आपके हेयर वैसे ही गिरते रहते हैं इधर से उधर, तो उनको एक जगह सेट करने के लिए ज़रूर चाहिए आपको एक बेस जहाँ से आप स्टार्ट कर सके एंड दैट इज़ अ प्री स्टाइलर, हेयर प्रोडक्ट एंड देन अ हेयर स्प्रे। जनरली थिन बालों का एक ही डिसएडवांटेज होता है कि वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं दे पाते क्योंकि थिन बाल जो फॉलिकल्स होते हैं आपके वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड जो थिक बाल होते हैं जैसे कि मेरे हैं, जिस कैटेगरी में मैं रहता हूँ, उसमें होता है कि आपके जो फॉलिकल्स हैं वो दूसरे बालों को सपोर्ट करते हैं एंड नेचुरल वॉल्यूम मिलती है। थिन हेयर में वो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप प्री स्टाइलर यूज़ कर रहे हैं, हेयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं एंड देन एक पोस्ट स्टाइलर यूज़ कर रहे हैं, आप भी वो वॉल्यूम अचीव कर सकते हैं सेम टू सेम। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं थिन हेयर स्टाइल पर एक वीडियो बनाऊं कि कैसे हेयर स्टाइल कर सकते हैं थिन हेयर वाले लोग, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर देखूंगा और बनाऊंगा। सिर्फ बालों में हेयर स्प्रे यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि पहले एक प्री स्टाइलर यूज़ करें, हेयर प्रोडक्ट यूज़ करें एंड देन फाइनल लुक एक वॉल्यूम देने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप इसको पूरा दिन यूज़ कर सकते हैं बट सोने से पहले प्लीज़ आप इसको वॉश करके धोएं ताकि आपके हेयर नेक्स्ट डे मैनेजेबल बन सके एंड आप फिर से उनको स्टाइल कर सकें।
फ्रॉस्ट को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। सो ये थे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे थे एंड मैंने इस पे वीडियो बनाई। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक का एम रखते हैं इस बार 3500 लाइक्स का एम करते हैं। एंड अगर आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, दैट इज अर्बन गबरू मेंस लाइफस्टाइल, तो नीचे आपको बेल आइकन मिल जाएगा, उसको भी प्लीज प्रेस जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गबरूज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश। नया माइक, ऑडियो क्वालिटी सही हो चुकी है। अर्बन गबरू आउट।